हाँ भाषा देखो, टिप आया ही नहीं, टिप देंगे हम, है? आओ टिप दिया। अब समझिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। इंडिया मैप हम लोग पढ़ा है, अब किस तरह पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप। जिनका इंडिया मैप नहीं पढ़ा हुआ है कोई बात नहीं, इवनिंग बैच में इंडिया मैप पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ लेंगे उस चीजों को। वर्ल्ड मैप में देखो, किसी भी मैप में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, एक पॉलिटिकल, एक फिजिकल और तीसरा थेमेटिकल। ठीक है, अभी तीनों समझा रहे हैं, वेट करो, वेट करते रहो, सुनते जाओ चुपचाप। नक्शा पहले नहीं पढ़ा जाता था, मैप की पहले स्टडी नहीं होती थी। लगभग तीसरी सदी से नक्शा बनाने की प्रथा शुरू हुई। नक्शा किसी भी जगह स्थान की लोकेशन और उसे क्वालिटी को जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए स्टडी किया जाता है। ठीक है, नक्शा से आप हर चीज एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, उसके बारे में प्रॉपर्टी गुण जान सकते हैं। तो नक्शा बनने की जब प्रोसेस शुरू हुई तो एक किताब बनाया गया जिसमें बहुत सारे नक्शा को असेंबल कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, उसका नाम दिया गया एटलस। क्या नाम दिया गया? एटलस। मतलब जो बहुत सारे नक्शा को जोड़ करके एक किताब में, क्या गया जी? फ्लैश मैसेज। देखो अब हम थोड़ा यहां पे समझा रहे हैं आपको, ये चुट्टा कहां कहां भाग रहा है। देखो जैसे इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे मैप को इकट्ठा करके एक किताब में डाल दिया, उसे क्या का नाम दिया? एटलस। क्या नाम दिया? एटलस। वाकई में एटलस था क्या? एटलस एक राक्षस था। क्या था? राक्षस था, जिसे भगवान लोगों ने क्या दे दिया था? श्राप दे दिया था कि जाओ तुम पूरे पृथ्वी का बोझ लेकर के घूमोगे, करोगे पूरी पृथ्वी का बोझ लेकर के। तो देखोगे आप, अगर एटलस किताब देखोगे ना, तो नीचे में वैसे राक्षस बनल रहेगा, माथा वो सब मुंडी से बनल रहेगा ऐसे करके, एकरा ऊपर ग्लोब रखल रहेगा ऐसे करके। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। आपके में नहीं दिया, एटलस की बुक देखोगे ना तो उसमें मिलेगा। ये आपके में नहीं दिया राक्षस का फोटो, ऐसे ग्लोब बना रहेगा और नीचे वो राक्षस रहेगा। ठीक है, ये राक्षस का नाम क्या था? एटलस। तो पूरा किताबे का नाम क्या हो गया? एटलस। जब एटलस क्या होता है? विभिन्न मानचित्र, बहुत सारे मानचित्रों का संग्रह किया हुआ एक किताब है। क्या है? किताब है, जिसमें हम तरह तरह के मानचित्र पढ़ते हैं। दिया हुआ कोई काम होगा, छोड़ो ना। हाँ, राक्षस को कहा गया पृथ्वी में तुम बोझ लेके घूमोगे, तो पृथ्वी बोझ लेके घूम रहा है वो। आइए, एटलस जो होते हैं, हम मैप जो पढ़ेंगे उसमें तीन चीजें पढ़ेंगे, एक फिजिकल, दूसरा पॉलिटिकल और तीसरा थैमेटिकल। फिजिकल, पॉलिटिकल, थैमेटिकल। पहले हम समझते हैं पॉलिटिकल। किसी भी नक्शा को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पॉलिटिकल मैप पढ़ना होगा। पॉलिटिकल मैप पढ़ने से देखो, आप इसे देख रहे होंगे, यहां पे आपको अलग अलग कलर दिखाया होगा। पॉलिटिकल मैप में कलर की कोई मीनिंग नहीं होती है। पॉलिटिकल मैप से सिर्फ और बाउंड्री आप ज्ञात कर सकते हैं, ये उसकी बाउंड्री देख सकते हैं कि जैसे इसकी बाउंड्री ये है आपका येलो कलर का, तो ये इंडिया है ना, ये आपका चाइना है, ये क्या आपका चाइना है, ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, आप ऐसे करके ना ये क्या देख सकते हैं, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, आप ऐसे करके सिर्फ बाउंड्री देख सकते हैं। क्या पॉलिटिकल नक्शा से पता चल रहा है इंडिया में कहाँ पहाड़ है, कहाँ झील है, कहाँ झरना है, पता चल रहा है? नहीं, सब पूरा एक ही कलर है, पूरा एक ही कलर है। फिजिकल नक्शा दिखाओ, एटलस। फिजिकल नक्शा जैसे अगर हम बात करें इंडिया का, अगर हम इंडिया की बात करें तो आप जैसे देखो ये वाला, ये कौन सी नक्शा है? फिजिकल नक्शा। कौन सा नक्शा है? एकरा में आप कहीं पता सकते हैं कि कौन सा राज्य है? जब तक आपको पॉलिटिकल का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बता सकते हैं कौन सा राज्य है, लेकिन आप ये जरूर नक्शा देख के बता देंगे कि इस पहाड़ है, ये व्हाइट वाला क्या है?
बर्फ है। जहां ग्रीन होती है वहां क्या होता है? मैदानी भाग होता है। जहां ब्लू होता है वहां क्या होता है? पानी होता है। जहां डीप ब्लू हो गया गहरा पानी, समझ में आया? तो वो उसकी मीनिंग कहां होती है? फिजिकल में। आप इसमें देखिए ब्लू हर जगह दिखेगा, इसका मतलब चाहिए पानी है, लेकिन कितना पानी है कहां पे पता चल रहा है? नहीं। दो नक्शा समझ में आया, एक फिजिकल और दूसरा पॉलिटिकल, में बॉर्डर दर्शाए गए होते हैं और फिजिकल में क्या होते हैं? आपको बॉर्डर नहीं होंगे उसे, नदी नाला पर्वत पहाड़ ठीक है मैदानी भाग, इन सब चीजों को दर्शाए गए। अब तीसरा थेमेटिकल। तीसरा क्या है? थेमेटिकल। अब जिसे समझते थेमेटिकल को, जैसे अभी इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में खाली रोड ऐसे बना दे, रोड क्या बना दे? रोड। जब किसी भी नक्शा में किसी पार्टिकुलर चीज को दर्शाया जाता है, कभी देखते हैं रेलवे लाइन का नक्शा, रोड का नक्शा दिखता है ना, हवाई मतलब क्या नाम है स्टेशनों का नक्शा, किसी पार्टिकुलर नक्शा होता है। जब किसी नक्शा में किसी पार्टिकुलर चीज को दिखाया जाता है तो उसे हम थेमेटिकल मैप कहते हैं। बोलते हैं थेमेटिकल मैप कहते हैं। जैसे आपको आगे हम दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसे देखिए है ना, अलग अलग लाइनिंग खींचा हुआ, नदी की मैप है, किसकी है? रिवर की मैप है, रिवर की हो गया। आप ये देखिए अलग अलग जो चीजों आपको हवा का मिट्टी का है ना, जब किसी पार्टिकुलर चीज दिखाया जाता है कैसे कैसे क्या चलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा मैप है? थेमेटिकल मैप। कौन सा मैप है? थेमेटिकल मैप। तो मैप कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थेमेटिकल मैप। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थेमेटिकल जब किसी पार्टिकुलर चीज को दिखाया जाता है तो विशिष्ट मानचित्र। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज को समझते हैं। इसको समझते हैं, कुछ बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक चीज समझने के लिए कोई वैसा फोटो है जी आपके पास जो व्हाइट टाइप का दिखे? ये कौन सी लग रखा है? कोई नहीं, आवे कृपया समझ लेते हैं, ये थोड़ा साफ सुथरा ठीक। आइए बेसिक चीज को समझने के लिए सबसे पहले समझिए ठीक है अंतरीप। क्या समझिए? अंतरीप। क्या समझिए? अंतरीप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केप। क्या बोलेंगे? केप। नाम ही सुनिए, केप ऑफ गुड होप। नाम सुनिए, केप ऑफ गुड होप क्या है? अरे अफ्रीका का एक जगह जहां पे वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, केप ऑफ गुड होप पे, जहां पे एक गुजराती मिला था उसको बता दो इधर चल जाओ। इतिहास नहीं पढ़े हो? तो फिर अंतरीप देखो, जब कोई छोटी भूमि तीनों ओर पानी से घिरी होती है, जब कोई छोटा भूमि तीनों ओर पानी से घिरा होता है तो उसे अंतरीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरीप कहते हैं। जब कोई बड़ा भूमि तीनों ओर पानी से घिरा होता है इसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। जैसे भारत कितना बड़ा देख रहे हो, इसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। अब सपोज कर लो कोई छोटा सा ले लो, जैसे अगर छोटा सा लेने के लिए अगर गुजरात का देखो तो गुजरात का ऐसे देखो कोई छोटा वाला पार्ट एरिया, ये क्या कहलाएगा? अंतरीप। लेकिन पूरा ले लो गुजरात क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। पास में आया? जब कोई छोटी जगह बोलो, जब कोई छोटी जगह तीन ओर पानी से घिरा होता है उसे अंतरीप कहते हैं, केप कहते हैं। और जब कोई बड़ी जगह तीनों ओर पानी से घिरा होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते प्रायद्वीप और इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ठीक है पेनिकुला। क्या बोलते हैं? पेनिकुला। ठीक है, तीसरा तीसरा टर्म समझिए द्वीप। क्या समझिए? जब कोई छोटा देश चारों ओर पानी से घिरा हो, जब कोई छोटी जगह या छोटा लैंड भूमि चारों ओर पानी से घिरा हो तो उसे क्या बोलते हैं? द्वीप। हिंदी में क्या बोलेंगे? आइसलैंड।
क्या बोलेंगे? आइलैंड। क्या बोलेंगे? आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड। और आपको पता है इस ग्रीनलैंड पे किसका कब्जा है? जगह है डेनमार्क। जितना जितना बड़ा बिंदु बनाया है ना, इतनी बड़ा डेनमार्क है। कब्जा किस पे किया है? देख रहे हो, ग्रीनलैंड में टट्टी करेंगे इतना जगह पे कर देंगे। अरे सोच रहा कब्जा किस पे कर लिया है? ग्रीनलैंड पे। हाँ सुनालिया में आता हुआ था ना जी। लेकिन इसके पास क्या है? टेक्नोलॉजी है, शिक्षा है। इसकी ग्रीनलैंड में रहते बहुत कम लोग हैं, बहुत खाली खाली जगह है। इंडिया चाइना को छोड़ो तो हर जगह खाली खाली जगह है। ठीक है, यही एक जगह है जहां लोटा लगे कहीं भी जाओ तो वो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ठीक है, हाँ अच्छी बात है। आइए, जब कोई छोटी जगह तीनों ओर से पानी गिरा हो तो उसे क्या बोलते हैं? द्वीप। और वही जगह जब बड़ा हो जाए महाद्वीप। क्या बोलेंगे? महाद्वीप। बस समझ में आया? तो कितने महाद्वीप हैं? सात। कितने महाद्वीप हैं? सात। सातों महाद्वीप को रटते हैं। ठीक है, लिखने उखने वाला कोई काम नहीं करना है, कहानी सुनना है। भूल जाएंगे तो क्या करना है? रोज रिवीजन करना है। कैसे भूल जाएंगे? मतलब कहते हो कि मेमोरी कार्ड घर छोड़ के आए हैं? अरे गधा पहले महाद्वीप पढ़ाए हैं, अपने उड़ने उठने लगा इसे। हाँ, कितने महाद्वीप? सात। सातों महाद्वीप को समझते हैं एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से किसी पर तो समझाएंगे, किसी को जरूरत है उसमें। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। मुंह चुप नहीं रखना, पान खा रही है कारे, बड़ा करो चुड़ी। हम बोलने के थोड़ी पैसा दिए हैं, सुनने के दिए। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरा अफ्रीका, दूसरा अफ्रीका, दूसरा अफ्रीका, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, एशिया, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद काला महासागर अफ्रीका, अंधा महासागर अफ्रीका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। मानव सबसे पहले कहाँ आया था? अफ्रीका में। कहाँ आया था मानव सबसे पहले? कहाँ आया था? लेकिन ये लोग सभ्य नहीं था, ये छोटा सभ्य नहीं था, उगारे घूमता था, कभी कभी सियारी तुम पेड़ पे चढ़ के छुप जाता था, अब पछू छी मार के कुछ खा जाता था। पहले जब मानव आया था तो पेड़ पे रहता था, छुपा हुआ रहता था, नीचे नहीं रहता था, सियार की तरह। सभ्य मानव कहाँ है? एशिया में। ठीक है, सबसे पहले मानव अफ्रीका, अंधा महादेश काला महादेश। आइए उत्तरी अमेरिका, सांपों का महादेश उत्तरी अमेरिका, ब्राजील। देख रहे हो यहां जितना विषैला सांप होता है उतना महंगा बिकता है, पता है ना? उसकी भुजिया, उसकी भरता, सांप का भरता। जैसे आप यहाँ आलू दम बनाते हो ना, अब बीन डालते हो ना काट के, आप सांप डालते हैं। नहीं, जहर सांप में थोड़ी होता है, जहर उसका उसमें मुंडी में होता है। हाँ, अब एकदम ऐसे चम्मच से घोप दो और माय गॉड सो टेस्टी ओ ब्रो। ठीक है, तो सांपों का देश ब्राजील। यहाँ घर में सांप पाला जाता है, पता है आपको? सांपों का देश ब्राजील। ठीक है, पक्षियों का महादेश। सुनो ना चुपचाप जी, नहीं बड़ा है, दिख रहा है आपको ऐसे, बता रहे हैं जी, ये पूरा नहीं है। पहला एशिया, दूसरा तीसरा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सांपों का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, सांपों का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, उसी में आता ब्राजील। नहीं समझे?
पक्षियों का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, पक्षियों का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, पहला एशिया, दूसरा तीसरा चौथा दूसरा पहला दूसरा चौथा तीसरा पहला सांपों का महाद्वीप ब्राजील, महाद्वीप ब्राजील, सांपों का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, पक्षियों का महाद्वीप जो जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति? उत्तरी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका? नहीं, नहीं, वो यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? वो यूएसए के हैं। अच्छा बताओ, एशिया के प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री बता है, एशिया के राष्ट्रपति मोदी जी, एशिया का राष्ट्रपति होता है? नहीं होता है, तो यहां कैसे बोल देंगे? ये देश है, ठीक है, ये हमको पता है, किसी भी नक्शा में ऊपर क्या होता है? उत्तर, और नीचे क्या होता है? दक्षिण। ऊपर क्या होता है? ससुरा, ये उत्तरी अमेरिका है, अरे क्या है, दक्षिणी अमेरिका, सॉरी सॉरी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो बोल रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, किसी भी नक्शा में ऊपर का क्या होता है? उत्तर, नीचे क्या होता है? इधर क्या होता है? पश्चिम, इधर क्या होता है? पूरब। सबसे पहले एशिया, उसके बाद, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नाम ठीक बोल रहे थे, जगह गलत बता रहे थे, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, पांचवा अंटार्कटिका, ठीक है, पांचवा अंटार्कटिका, छठवा यूरोप, छठवा यूरोप, शिक्षित, क्या नाम है, शिक्षित महादेश यूरोप, पढ़ा लिखा महादेश यूरोप, यहां बहुत शिक्षित लोग होते हैं जी, यूरोप महादेश, क्या नाम है ये, हालांकि सेकेंड दूसरा है, लेकिन सबसे शिक्षित महादेश है। हाँ, यहाँ के लोग ना भावनाओं पे नहीं बहते हैं। अब यहाँ इंडिया इंडिया में नहीं, ब्याह करेगा तो पहले करेगा कि चार गो तो होगा कम से कम, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब यहाँ की मेंटलिटी होती है इधर की, क्या आप ना थोड़ा शिक्षित हो रहे हैं। अगर आपको जनसंख्या पे कंट्रोल करना है तो महिलाओं को पढ़ाओ, महिला पढ़ी लिखी रहेगी तो उनको पता रहे नहीं, पालना हमारे पेट में है, समझ रहे हैं, उसको क्या सोच रहा, उसको थोड़ी में पालना है। अब अरे पहले की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, देखते नहीं है, सास मतलब जो होती ना दादी उदी, माँ को याद करो, दादी उदी को, वो भी कहती थी नहीं तीन चार चार बच्चा कम से कम होगा, अभी नहीं, अभी ऑपरेशन नहीं कराओ, पांच होने दो। हा? आप देखेंगे दादा लोग का, दादा लोग के जमाने में चार पांच तो मिनिमम होता था, है ना, उसके बाद अब धीरे धीरे अब लोग शिक्षित, महिलाएं शिक्षित होने लगी है, तो क्या होने लगी, प्लानिंग होने लगी, तो ये चीजें कम होने लगी है, ठीक है। आइए, ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, और सबसे शिक्षित महाद्वीप यूरोप, सबसे शिक्षित महाद्वीप यूरोप, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे विकसित महाद्वीप यूरोप, सबसे विकसित महाद्वीप यूरोप, ठीक है, विज्ञान महाद्वीप अंटार्कटिका, वैज्ञानिक महाद्वीप अंटार्कटिका, वैज्ञानिक महाद्वीप अंटार्कटिका, नहीं खाली साइंटिस्ट लोग रहते हैं, यहाँ परीक्षण होता है, बड़े बड़े टेस्ट होती है, तो वैज्ञानिक महाद्वीप अंटार्कटिका, ठीक है, अब समझते हैं, काला काला महाद्वीप बता रहे हैं, रुको तो, रुको तो, काहे घबरा रहे हो, काहे घबरा रहे हो, सातों पढ़ाएंगे, अंडा महाद्वीप अफ्रीका, अंडा महाद्वीप अफ्रीका, पढ़ा लिखा महाद्वीप यूरोप, तीसरा नंबर पे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका,
सांपों का महाद्वीप दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप अमेरिका। सातवां महाद्वीप आपका ओशनिया, क्या नाम है? ओशनिया। तो ना चुपचाप, इसका नाम क्या है? ओशनिया। क्या बोलते हैं आप? पहली बार सुन रहे हैं ना? ओशनिया। क्या नाम है? ओशनिया। ओशनिया, ओशनिया। ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, सुनो सर, इधर ये हमें पता है, हमें कह रहे थे गोली मारो, आपको बता रहे हैं ना बस। आई राम दाम आम देखेंगे, राम दाम कहा देख रहे हैं। आइए, इसको बोलते हैं ओशनिया। क्या बोलते हैं? ओशनिया। अब देखो, लोग इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि जबकि इस महाद्वीप में चार देश आते हैं। कितने देश आते हैं? चार देश आते हैं। एक का नाम है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। माइक्रोनेशिया, ठीक है, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। चार देश है। कितने देश हैं? चार देश हैं, लेकिन चारों को मिला करके कौन सा बन गया? ओशनिया। क्योंकि नाम किसका पड़ा? ऑस्ट्रेलिया। कैसे ऑस्ट्रेलिया पड़ा? देखो, जैसे मान लो कि सपोज कर लो किसी का बिया होगा, जैसे तुम्हारा बिया हो गया, बिया हो गया। अब मान लो पहला बेटा हुआ, सुनो तो, पहला बेटा हुआ, उसका नाम रखा मंगरुआ। क्या नाम रखा? मंगरुआ। तो तुम्हारा नाम करेगा मंगरुआ के पापा, करेगा मंगरुआ के पापा। अक्सर बाप का नाम बड़े बेटे पर रखाता है, होता है ना? ठीक है। अब दूसरा नाम रख दिया मान लो, क्या नाम? दलिदर, दलिदर के पिताजी। तो मेन बड़ा लग देखते हैं ना, मंगरुआ के पापा नहीं कहते हैं? हाँ हाँ। अब जैसे देखो, क्या नाम है, जैसे भगवान शंकर हैं, तो गणेश के पापा कहा जाता है, तो गणेश पापा है वो, है गणेश पापा, नाम गणेश पापा है नहीं। लेकिन कभी कभी जो ज्यादा नाम फेमस हो जाता है ना, अक्सर बड़े के नाम पे ही लिया जाता है। आप जैसे अगर घर में दीदी बड़ी होगी तो मम्मी को दीदी के नाम से, किसी नाम से बड़े बेटे के नाम से ही लेंगे, समझ रहे हैं? या तो सबसे छोटे के नाम से लेंगे, ठीक है। तो इसी में इन सबों में बड़ा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के नाम पे पड़ गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वैसे महादेश कौन था है? ओशनिया। कौन था है? ओशनिया। एक और महादेश था जिसका नाम था जीलैंडिया, डूब गया। जीलैंडिया था इधर ही, कौन नाम है, इस तरफ पनिया में डूब गया जीलैंडिया। कौन था? होते होंगे, ठीक है। तो आज के लाखों वर्ष पहले डूब गया, उस पहले इंसान ही नहीं था, समझिए। आज के लाखों वर्ष पहले ये चीजें हुआ था और वो डूब गया, ठीक है। तो डूब गया, तो डूब गया। तो कितने महादेश हैं? सात। सातों महादेश से गिनती करके बता दोगे? बता दोगे? कौन है जो पीछे से गिन देगा? अरे पीछे से मतलब सबसे छोटा शुरू करना है। हाँ तुम मत बोलो पहले, कोई होशियार लड़की है जिसको याद है, पहले शुरू से बोलो। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। देखो रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहते नहीं सर भूल जाएंगे, भूलो क्यों, नक्शा दिमाग फिट करो ना, पढ़ क्या है नक्शा। देखो सर ध्यान रहो, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दिमाग में फिट करो, गांव की गली क्यों नहीं भूलते हैं? 50 साल भी जाएंगे रात तो भी याद है कि गली समझाते थे, क्योंकि नक्शा फिट हुआ है आपके दिमाग में, समझे। ब्राजील, ब्राजील इसको बोलते हैं बुआ। हाँ दक्षिणी अमेरिका का सांपों का देश, हाँ दक्षिणी अमेरिका को बोलते हैं सांपों का देश, दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील, ठीक है, सांपों का देश दक्षिणी अमेरिका को बोलते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में क्या नाम है वो रहते हैं? जो बाइडेन। कौन थे देश में? यूएसए में। किस में रहते हैं? यूएसए में,
तो फटाफट काउंटिंग करो, दो बार गिनना सीधे, फिर दो बार गिनना है उल्टा से, बोलो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हाँ ओशिनिया बोलो, अब तो ओशिनिया पढ़ लिए ना, ऑस्ट्रेलिया क्यों बोला, क्या बोलना ओशिनिया, प्रैक्टिस करके क्या आप एग्जाम में ओशिनिया दे देगा, फिर पता ये ससुरा ये है क्या, समझ रहे हो, इसे पता होना चाहिए, आप पीछे से गिनो, ओशिनिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, याद हो गया, एक बार और, ओशिनिया, यूरोप, भूल जाएंगे तो कैसे भूल जाएंगे, ठीक है, तो ये पांच महाद्वीप है जिसे याद करना है, सात महाद्वीप, ठीक है, इन सातों महाद्वीप में इंडिया आपका किस में आता है, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में हमने बताया है किसी भी नक्शा के ऊपर के हिस्सा को उत्तर कहते हैं, नीचे के हिस्सा को दक्षिण कहते हैं, तो भारत जो है उत्तर में है कि दक्षिण में, दक्षिण एशिया, तो भारत किसका हिस्सा है, दक्षिण एशिया का एक हिस्सा है ना, दक्षिण एशिया का एक हिस्सा है, तो हम लोग कहना दक्षिण एशिया में कुछ संगठन बने हैं जिनका नाम है सार्क, क्या नाम है, सार्क, एस डबल ए आर सी, सार्क, ठीक है, सब लोग कल नक्शा लेके आएंगे, नक्शा के साथ हाईलाइटर जरूर होना चाहिए, कल से हमारा राज्य देश शुरू हो जाएगा, ठीक है, एक एक देश को पढ़ते चलेंगे, पहले हम एशिया शुरू करेंगे, एशिया में भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं सबको पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक महाद्वीप को पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे महाद्वीप आपको बताया हूं वैसे वैसे महाद्वीप को हम लोग स्टडी के रूप में करते चलेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एशिया, फिर पढ़ेंगे अफ्रीका, फिर पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका, तो ग्राम पढ़ने के कुछ है ये नहीं है, खाली बर्फ बता देंगे, ग्राम खाली बर्फ है, ठीक है, बस बस बर्फ है खत्म, एकरा में क्या नाम है, यूरोप, ईस्ट सोच बहुत हल्का मचाएगा, सब ज्यादा समय यही लेगा, ये लेगा सब लेगा समय, ऑस्ट्रेलिया इसको छोड़ के, हाँ मिल जाएंगे, अब दे देंगे, अभी आज तो एक ही दिन था, आज ही नोट दे दें, लिख के नहीं देंगे आपको,